हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा रखती हूँ आप सब अच्छे हो, खुश हो। और अगर आप पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना। और अगर आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई एडवाइस चाहिए मुझसे, और उसके लिए अगर आप कॉल बुक करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे के रखा है, और वहीं पे मैं आपको कॉलिंग से रिलेटेड चार्जेस के बारे में बता दूंगी। और अगर ज़्यादा नीड है तभी आप कॉल बुक करना, वरना ऐसे वीडियो से आप काम चला सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आप सब मुझे ये सवाल बहुत बार करते हो, चाहे वो कॉल्स पे हो या इंस्टाग्राम के मैसेजेस पे, कि पार्टनर को अपने कमी कैसे महसूस करा सकते हैं मैडम। तो आज मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो मैं यहाँ पे पॉइंट बताना चाहती हूँ ना, वो है कि आपको स्पेस देना होगा ज़रूर से। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, क्योंकि स्पेस देने से ना क्या होता है, वो इंसान ना थोड़े देर के लिए अकेला रहता है या अकेली रहती है। और जैसे ही कोई अकेला रहता है या अकेली रहती है ना, तो उसके दिमाग में थॉट्स आते हैं, तो ज़रूर वो आपको लेके तब सोचने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि आप तभी उसके पास अवेलेबल नहीं हो। और जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है ना मेरे दोस्त, उसी को लेके हम सोचना पसंद करते हैं। और ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम इसमें बंधे हुए हैं, हम इसके आगे नहीं जा सकते, ठीक है? ये हमारा ह्यूमन नेचर के अंदर आता है, ठीक है? तो स्पेस देना इसलिए ज़रूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि स्पेस दोगे तभी वो आपको मिस करेगा या मिस करेगी। और जितना वो आपको मिस करेगा उतना ही वो आपके ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, चीज़ों को थोड़ा चेंज कर दिया करो। जैसे कि मान लो लगातार आप जिम जाते हो, या फिर लगातार आप कोचिंग जाते हो, ठीक है? तो लगातार जब आप जाते हो तो सभी को ये एक्सपेक्टेशन होता है कि ये तो आएगा या ये तो आएगी, ठीक है? लेकिन अगर आप एक दो दिन नहीं जाते हो ना, तो सभी फिर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ उस बंदे का, वो क्यों नहीं आया या फिर वो क्यों नहीं आई। तो सेम चीज़ रिलेशनशिप में भी होता है, सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी होता है। अगर आप एक आध दिन के लिए ना गायब हो जाओगे ना, जैसे कि मान लो कुछ भी आप बहाना मार सकते हो कि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, या फिर मेरे यहाँ पे लाइन नहीं था, मेरे यहाँ पे करंट जो है वो नहीं था, सप्लाई बंद था एक दो दिन के लिए, या फिर मैं गाँव चला गया था, या फिर मैं मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो जो भी आपके सिचुएशन के साथ जाता है वैसा, अगर आप एक एक्सक्यूज़ बना के पार्टनर के साथ दो दिन के लिए गैप लोगे ना, बात एकदम बात नहीं करना है ना, आपको ऑन होना है इंस्टा पे ना फेसबुक पे, मतलब मोबाइल एकदम स्विच ऑफ, ठीक है? तो ऐसा करोगे ना तो भी पार्टनर को बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखिए आप रेगुलर उससे बात करते हो, कॉल करते हो, मैसेजेस करते हो, मिलते हो, तो इसका ना उसको एक आदत हो चुकी है। अब अगर एक दो दिन के लिए आप अवेलेबल नहीं रहते हो ना, तो उसको बहुत तकलीफ़ होगा, क्योंकि हमको जिस चीज़ की आदत हो जाती है ना, उसके बाद जब हमको वो चीज़ नहीं मिलता है ना, तो हमको बहुत फ़र्क पड़ता है, मतलब हम पागल हो जाते हैं। तो यही पार्टनर के साथ भी होगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप दोनों का रिलेशन अच्छा है तब भी आप ये सब काम करो। अगर रिलेशनशिप में पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करता है, या फिर अटेंशन नहीं देता है, ठीक है, या फिर आपका पार्टनर अगर आपसे बोर हो चुका है, तब ये सारे पॉइंट्स मैं जो बोल रही हूँ ये आप ज़रूर से फॉलो करना, और इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में मिल जाता है, ठीक है? बहुत सारे लोग मुझे आके कमेंट करते हो इंस्टा पे कि मैडम मैंने फॉलो किया दो दिन, उसके बाद तो कुछ असर नहीं हुआ। तो दो दिन में कुछ नहीं होता है, दो दिन में कुछ भी नहीं पॉसिबल है मेरे दोस्त, ठीक है? हर चीज़ के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे कि आप मान लो पार्टनर को दिन में 10 से 20 कॉल करते हो, तो उसको आपको आधा करना होगा। जो भी आप सप्लाई करते हो ना, जैसे कॉल्स का, मैसेजेस का, उसका जो क्वांटिटी है ना, उसको कम कर दो, एकदम हाफ कर दो, आधा कर दो, तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा। अब ये भी एक दो दिन में नहीं होगा, इसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ग्रेजुअली आपको फ़र्क पड़ेगा, आपको फ़र्क दिखेगा और पार्टनर को फ़र्क पड़ेगा। तो इसको ज़रूर से फॉलो करो, ठीक है? अगर आप 10 कॉल करते हो ना दिन में,
तो उसको आपको 5 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आप 5 कॉल करते हो तो आपको उसको 2.5 ऐसे रेशियो में, या फिर 5 करते हो तो 2 कॉल करो, 10 कॉल करते हो तो 5 कॉल करो, ऐसे कर करके धीरे धीरे अपना जो क्वांटिटी है उसको कम करना है, ठीक है। इससे भी पार्टनर को फ़र्क पड़ेगा। और हाँ, बिल्कुल बंद नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि 10 से 5, 5 से फिर 2, फिर 1, फिर एकदम नहीं, ऐसा नहीं है। कॉल करना है, कॉन्टैक्ट में रहना है पार्टनर के साथ, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा जो आप करते हो ना उसको कम करने के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट और चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, समझाया मत करो ज़्यादा पार्टनर को ना। बहुत ज़्यादा आप एक्सप्लेन करने लगते हो एक टाइम के बाद, जब आपको लगता है कि अरे 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अभी तो कुछ असर नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करते हो, तुरंत आप गिव अप कर देते हो पार्टनर के सामने कि तू ही मेरी सब कुछ है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ, ठीक है, तू मुझे नहीं समझ रहा है या नहीं समझ रही है, मैं तेरा प्यार चाहता हूँ, तू मुझे क्यों नहीं केयर करता है, तो ऐसे ऐसे हम फरियाद करने लगते हैं पार्टनर के सामने। तो इससे हमारा जो भी बचा खुचा इज्जत है ना वो भी डाउन हो जाता है, और पार्टनर फिर हमें और भी ज़्यादा ग्रांटेड लेने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और मैं आप सबको बार बार एक ही चीज़ रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप सब अच्छे से ये बात समझ लो कि ये जो भी मैं बता रही हूँ ना, इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन के अंदर असर दिख जाएगा आपको, ठीक है। 10-15 दिन तक आपको ये चीज़ें लगातार करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि पार्टनर को ये फील हो कि आप में कुछ चेंजेस आया है। और जैसे ही उसको ये चीज़ महसूस होगी कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आया है, तभी वो आपको अटेंशन देना शुरू करेगा, ठीक है। फिफ्थ जो पॉइंट है, फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है दोस्तों, वो है कि सप्लाई जो है उसको कम कर दो, तभी जो डिमांड है वो हाई होगा। जी हाँ दोस्तों, आप देखे होंगे कि मार्केट में जब भी कोई चीज़ का डिमांड बहुत हाई होता है ना, तभी वो चीज़ का जो सप्लाई है वो कम होता है, और उसी वजह से उसका डिमांड हाई होता है। जैसे कि मान लो अभी आप 10 कॉल करते हो तो आपका जो डिमांड है वो कम है, लेकिन अगर आप 2 कॉल करोगे ना जिस दिन से, तो आपका डिमांड जो है ना वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, क्योंकि आप सप्लाई कम कर दिए हो। तो सेम चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग से सोचोगे, थोड़ा सा कभी कभी ना इंसान को दिमाग का भी यूज़ करना होता है। हमेशा प्यार, हमेशा मोहब्बत, हमेशा मीठी मीठी बातें, ये सब से भी ना एक टाइम के बाद उबन ज़रूर हो जाता है हर किसी को, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाओगे ना तो मुंह बन जाता है फिर, ठीक है, और मन भी भर जाता है। तो आपने क्या किया है ना, पार्टनर को इतना ज़्यादा मीठा खिला दिया ना कि उसका अब मन ही भर गया है, मीठा देख के ही उसको दिक्कत होती है, ठीक है। तो जो जो पॉइंट्स मैंने बोला है उसको फॉलो कीजिए, ज़रूर आपका जो पार्टनर है वो आपकी कमी जो है उसको महसूस करना ज़रूरी समझेगा या ज़रूरी समझेगी। लेकिन हाँ, ज़रूर से इसको करने के लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, 2-3 दिन में आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।